गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बी एड सेकेंड ईयर हमारा सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। कल हमने पढ़ा था राजनीति विज्ञान के जो पाठ्यक्रम निर्माण के सोपान है, जिसमें अपन ने पांच प्रकार के सोपानों के बारे में वर्णन किया था। आज हम पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के बारे में कि राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए, वो उसका क्या उसके गुण दोष होने चाहिए, उसकी किस प्रकार से समीक्षा की गई है, उसके बारे में आज की क्लास में अपन अध्ययन करेंगे। तो राजनीति जो विज्ञान की जो पाठ्य पुस्तक है वो पाठ्य पुस्तक ही होती है जो ज्ञान प्राप्ति का एक साधन होते हैं। पाठ्य पुस्तक के द्वारा ही समग्र ज्ञान की प्राप्ति होती है, क्योंकि पुस्तकों के माध्यम से छात्र के जो विभिन्न विद्वान हुए हैं वो पुस्तकों के माध्यम से अपने विचारों को समाहित करते हैं, उसमें संचारित करते हैं, तभी वो छात्र उनके विचारों को ग्रहण करने के योग्य हो जाता है पुस्तकों के माध्यम से ही। यदि पुस्तकें नहीं हो तो जो विद्वान हुए हैं, जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं, दार्शनिक हुए हैं, वो अपने ज्ञान को किस तरह बटोरते और आने वाली पीढ़ी को किस प्रकार से ज्ञान को दे पाते, तो आने वाली पीढ़ी किस प्रकार से ज्ञान को ग्रहण करती, तो वो इसी माध्यम से करती है कि वो अपने विचारों को एक पुस्तक में लिखते हैं, ताकि उन विचारों को जो आने वाली पीढ़ी है, जो छात्र हैं, वो उससे अवगत हो और जीवन में उससे प्रेरणा ले सके। तो अनेक विद्वानों ने जो पुस्तक है, जो राजनीति विज्ञान की जो पुस्तक है, उसके संदर्भ में अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं। जैसे हल और डगलस है उसने शिक्षकों के बहुमत में अंतिम विश्लेषण के आधार पर पाठ्य पुस्तक को देखा और किस प्रकार पढ़ाएंगे की आधार श्रेणी माना है, किस शिक्षक जो पढ़ाता है तो किस प्रकार से उनके अंदर क्या पाठ्य पुस्तक के अंदर क्या होना चाहिए, तो ये उसकी आधार श्रेणी है कि शिक्षक कक्षा में जाएगा क्या और किस प्रकार से पढ़ाएगा, ये हमें तभी ज्ञात होगा जब पाठ्य पुस्तक अपने पास में होगी। जब दूसरा है हेली विकर ने कहा है कि पाठ्य पुस्तक ज्ञान के विभिन्न तत्वों, ज्ञान के जो विभिन्न तत्व जो आदत भावनाएं क्रियाएं तथा अभिरुचियां हैं उनका क्या है कुंज माना है। हेली विकर ने ज्ञान जो पाठ्य पुस्तक है उसके ज्ञान के जो विभिन्न तत्व होंगे, जो ज्ञान की जो आदतें होंगी, भावनाएं होंगी, जो क्रियाएं होंगी, जो अभिरुचियां, उसका एक ग्रहण एक कुंज माना है कि समग्र ये जो चीजें हैं ये अपने को पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत उपलब्ध होगी, जब होगी जब पाठ्य पुस्तक अपने पास में होगी। फिर है प्रोफेसर बार्थ का वर्णन के अनुसार, बार्थ का जो वर्णन है उसके अनुसार पाठ्य पुस्तक हमारे जीवन में हमारे देश में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग माना गया है। जिस प्रकार से अपने आंख के बिना अपना शरीर है, एक आंख अपना एक महत्वपूर्ण अंग होता है शरीर का, वैसे ही जो शिक्षा क्रम में जाएंगे तो शिक्षा क्रम में शिक्षा दे रहे हैं, तो शिक्षा जो होगा वो शिक्षा का एक पाठ्य पुस्तक होगा, वो महत्वपूर्ण अंग माना है। फिर क्रॉन बैग के अनुसार जो क्रॉन बैग है उसमें शैक्षिक चित्र का केंद्र बिंदु पाठ्यक्रम में शैक्षिक व्यवस्था होगा, जो शैक्षिक व्यवस्था किस प्रकार से होगी तो उसको किस आधार पर मान पढ़ाएंगे, किस आधार पर बच्चों को सिखाएंगे, तो उसका व्यवस्था उसने उसकी जो केंद्र बिंदु माना है वो उसको माना है पाठ्य पुस्तक को। अब अपन पढ़ेंगे एक अच्छी राजनीति विज्ञान पाठ्य पुस्तक की समीक्षा। एक अच्छी राजनीति विज्ञान पाठ्य पुस्तक की समीक्षा ये थी कि अलग अलग विद्वानों ने पाठ्य पुस्तक के बारे में अपने अपने जो परिचय दिए हैं उनके बारे में पढ़ा। अब पढ़ेंगे एक अच्छी राजनीति विज्ञान की राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तक की समीक्षा। एक अच्छी राजनीति विज्ञान पाठ्य पुस्तक की समीक्षा के बारे में पढ़ा था। इससे पहले अपन ने पढ़ा कि अलग अलग विद्वानों ने पाठ्य पुस्तक के संदर्भ में क्या क्या अपने मत प्रस्तुत किए हैं। अब हम पढ़ेंगे एक अच्छी राजनीति विज्ञान पाठ्य पुस्तक की समीक्षा, यानी जो अपन ने अभी पढ़ा है कि जो विद्वानों ने पाठ्य पुस्तक के संदर्भ में अपने अलग अलग परिभाषाएं दी है उसके आधार पर फिर पाठ्य पुस्तक की समीक्षा हम किस प्रकार से कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आयु स्तर। क्या पढ़ेंगे? आयु स्तर के बारे में कि आयु स्तर के अनुसार जैसे
तीसरा होगा प्रकाशक, यानी प्रकाशक कहाँ से हुई, जैसे ये पुस्तक प्रकाशित होगी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड स्थान, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, कहाँ से होती है ये अजमेर से, ये होगा प्रकाशन की यानी प्रिंटेड है, ये कहाँ से हुई है तो ये होगी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर। फिर है प्रश्नों की संख्या, फिर है प्रश्नों की संख्या, प्रश्नों की संख्या, प्रश्नों की संख्या के अंतर्गत प्रश्न कितने हैं, जैसे पुस्तक का आकार होने के कारण प्रश्नों की संख्या भी उसके आकार के अनुसार होगी, पुस्तक का आकार कम है तो प्रश्न संख्या भी कम होगी, जैसे इस पुस्तक में प्रश्नों की संख्या 229 बन गई है, जैसे माध्यमिक शिक्षा जो सामाजिक विज्ञान की पुस्तक है उसमें जो प्रश्न संख्या होगी वो 229 होगी। फिर है पुस्तक का मूल्य, फिर है पुस्तक का मूल्य, पुस्तक का मूल्य, पुस्तक का मूल्य कितना है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने उसका मूल्य कितना निर्धारित किया गया है, जैसे पुस्तक का उचित मूल्य वर्तमान में अपन ले सके तो बोर्ड ने इसको 12 रुपए के अंतर्गत जारी किया है, उसका निर्धारण बोर्ड ने कितना किया है 12 रुपए के अंतर्गत किया है, लेकिन दुकानदार आजकल है इससे अधिक रेट भी लेते हैं, लेकिन जब अपन स्टेशनरी की दुकान पे जाएंगे तो वहाँ इसका जो बोर्ड ने जो इसका मूल्य निर्धारित किया है वो 12 रुपए है। फिर है संख्यात्मक वर्गक्रम, संख्यात्मक वर्गक्रम बेटा, फिर है छठा संख्यात्मक वर्गक्रम, संख्यात्मक वर्ग क्रम, संख्यात्मक वर्ग क्रम, संख्यात्मक वर्ग के क्रम के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे इसमें, संख्यात्मक वर्ग क्रम में खंड विभाजन सबसे पहले पढ़ेंगे, खंड विभाजन, संख्यात्मक वर्ग क्रम के अंतर्गत सबसे पहले पढ़ेंगे खंड विभाजन। खंड विभाजन के अंतर्गत दो प्रश्न पत्रों में विभाजित किया, जैसे प्रश्न पत्र में इतिहास सामाजिक अध्ययन एवं राजनीति को और द्वितीय में भौगोलिक व आर्थिक व्यवस्था को, जैसे प्रथम प्रश्न पत्र में दो भागों में विभाजित किया है, प्रथम प्रश्न पत्र में इतिहास व राजनीति शास्त्र और द्वितीय में भूगोल से संबंधित होगा, पहले में इतिहास से व दूसरे में भौगोलिक व आर्थिक व्यवस्था से, भौगोलिक व आर्थिक व्यवस्था से संबंधित होगा, आर्थिक व्यवस्था से, यानी जो संख्यात्मक वर्ग क्रम है उसके अंदर खंड विभाजन दिया गया होगा, खंड विभाजन में दो प्रश्न पत्र सम्मिलित होंगे, प्रथम में जो इतिहास और राजनीति से संबंधित जो सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आएगा, जो किसके अंतर्गत आएगा सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत, और दूसरे में दिया गया होगा भौगोलिक व आर्थिक व्यवस्था के बारे में। फिर एक सातवा भौतिक तत्व, सातवा है भौतिक तत्व, भौतिक तत्व के अंतर्गत पुस्तक के स्तर के अनुसार लिखा गया है, इस कारण इसमें वजन न अधिक हो न कम हो, पुस्तक के अनुसार भौतिक तत्वों को सम्मिलित किया, पुस्तक का वजन अधिक कम ना हो और ना ज्यादा हो, अतः छात्रों को आसानी से वो पढ़ने में व उठाने में भार स्वरूप अनुभव नहीं हो। फिर है तर्कसम्मत विभाजन, तर्कसम्मत विभाजन, तर्कसम्मत विभाजन, तर्कसम्मत विभाजन के अंतर्गत पुस्तक के अंतिम भाग में सारांश नहीं दिया गया है, यदि सारांश नहीं दिया जाता है जो पुस्तक का जो अंतिम भाग है उसके पीछे कभी कभी पुस्तकों में सारांश दिया गया है, यदि सारांश दिया जाता है तो परीक्षा से पूर्व कम
संदर्भ सूची, फिर होगा संदर्भ सूची यानी पाठों को यथावत लिखा गया हो तो पाठ की जो प्रारंभिक तथा अंतिम संख्या दी गई हो, फिर अंतिम होगा उपयोगिता कि पुस्तक की क्या उपयोगिता है, उपयोगिता की जो राजनीति विज्ञान की जो पुस्तक है उसका जीवन में क्या उपयोग होगा। तो सबसे पहले शिक्षक के लिए ये उपयोगी होगी, शिक्षक के लिए उपयोगी, शिक्षक के लिए उपयोगी, शिक्षक के लिए उपयोगी किस प्रकार होगी, पुस्तक की भाषा व शैली सरल होने के कारण जो शिक्षक होगा उसको पढ़ाने में कठिनाई नहीं होगी, और शिक्षक के लिए जीवन में भी उपयोग होगी, भाषा शैली सरल होगी तो उसका जो ज्ञान है वो उसके मस्तिष्क में स्थायी रहेगा, और अंतिम होगा छात्र के लिए उपयोगी, छात्र के लिए उपयोगी। पहला इसमें शिक्षक के लिए उपयोगी बताए हैं और दूसरा है छात्र के लिए उपयोगी बताए हैं, यानी भाषा शैली सरल होने के कारण छात्र इसको पढ़ेगा व इसके साथ साथ विद्यार्थी को ये जीवन में भी उपयोग में काम आने वाली चीज है। तो आज हमने पढ़ा एक अच्छी राजनीति विज्ञान पाठ्यपुस्तक की समीक्षा के बारे में, जिसमें मैंने आपको 10 प्रकार की जो इसके समीक्षा की गई है। सबसे पहले आयु स्तर के बारे में आपको बताया है कि आयु स्तर किस प्रकार का होना चाहिए, फिर उसके बाद में जो उसकी जो आकार है, फिर कवर है, कवर के बाद में प्रकाशन सामग्री, उसके बाद में पुस्तक का मूल्य, संख्यात्मक वर्गक्रम, भौतिक तत्व, तर्कसंगत विभाजन, प्रस्तुतीकरण, अभ्यास प्रश्न, संदर्भ सूची, उपयोगिता आदि के बारे में आगे जो ऑनलाइन क्लासेस में अपन ने चर्चा की है, कल हम पढ़ेंगे इसके बारे में आगे। धन्यवाद।